बायोब्लास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन एंड नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब अभी या तो 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में या 11th क्लास में वो एंट्री लिए हैं और उनको प्रिपरेशन करनी है नीट की, डॉक्टर बनना है, ये उनके लिए है। और या तो जो ऑलरेडी मतलब 11th क्लास से 12th में चले गए हैं और अब सोचे हैं कि भाई ठीक है, अब 1 साल का टाइम है तो अब स्टार्ट करते हैं, और उनके लिए जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने तैयारी करने के लिए प्रॉपरली टाइम लिया है, उसके बावजूद भी शायद कुछ मार्क्स से फेल हो गए या तो कुछ गड़बड़ियाँ थी उसकी वजह से फेल हो गए, मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाए, फेल होने का मतलब वो है। ये उन सभी छात्र एवं छात्राओं, मीन्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल दी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। और ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी दिखेंगी, 2005-10 तो दिखी जाएंगी यूट्यूब खोलेंगे तो, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब कुछ तो डिफरेंट आपको मिलेगा, और कुछ डिफरेंट मिलेगा और क्या डिफरेंट मिलेगा उसी के लिए आपको ये वीडियो जो है कम्प्लीटली देखनी पड़ेगी। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो इससे पता चल जाएगा पहले ही लेवल पे कि आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो फोकस है, वो जो है ना, वो लो है, लो। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं वीडियो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही केवल आपको ल्योर करने के लिए बोल रहा हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है, ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ 2 मिनट, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पूरी चर्चा या पूरा डिस्कशन हमारा 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का भी हो सकता है, बट ये आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा, इस बात को समझ लीजिए। जितने लोग भी बताते होंगे, जैसे हुक्कार भर भर के बताते हैं आजकल लोग, तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लगता है कि वो जंग में एकदम उतरे हों, मतलब जो लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान है वो। लेकिन हाँ, ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, लेकिन यहाँ की जो जंग है ना, ये दूसरे तरीके से लड़ी जाती है, हाथ में तलवार लेके नहीं, हाथ में कलम और दिमाग में जो है ना तेज धार होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो आपका माइंड जो है ना, माइंड ये शार्प होना चाहिए, और शार्प अगर नहीं है ना तो इसकी धार को बढ़ाइए, शार्प करिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो टोटल वर्क इसके ऊपर करना है और उसी के लिए स्ट्रेटजी है, समझ रहे कि नहीं? ये स्ट्रेटजी वीडियो ही है, तो इसमें कोई चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बट हम केवल ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। और अगर आप फॉलो करते हैं तो डैम श्योर मैं बोलता हूँ सिलेक्शन के दरवाजे तक आप पहुँचेंगे। अब नॉक करना या दरवाजे पे खड़े रहना आपकी मर्जी है। और बायोलॉजी में मैं एकदम डैम श्योर करूँगा, आपको 100% श्योर करूँगा कि आपका जो बायोलॉजी का मार्क्स होना चाहिए ना, वो 350+ ही होगा किसी भी कीमत पे, इफ़ यू फॉलो दैट होल स्ट्रेटजी। अगर आप कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो इससे नीचे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और ये फॉलोइंग जो होनी चाहिए ना, ये ऑनेस्टली होनी चाहिए, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है, यू पीपल, ऑलमोस्ट 99% पीपल जो है ना, वो ब्लेम गेम करते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें फंसे हुए हैं, अभी भी आप लोग ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं। 2 मिनट मेरी मेरी बात सुन लीजिए, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ ढंग से आपको। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देता नहीं हूँ नॉर्मली, जॉब के पर्सपेक्टिव से या चाहे जिस भी पर्सपेक्टिव से, क्यों तो, क्योंकि मेरा एम या टारगेट जो है ना, वो बहुत डिफरेंट है और था, तो उस हिसाब से मैंने कम एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम दिए हैं बड़े अच्छे क्वालिटी के दिए हैं। और जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, केवल एक एग्ज़ाम को छोड़ के, और वो एग्ज़ाम IAS था, ठीक है, बस इसी एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई नहीं किया। इसके अलावा चाहे वो नेट JRF की बात हो, UGC नेट JRF की बात हो, चाहे ICAR या SRB साइंटिस्ट वाला जो है उसकी बात हो, या गेट की बात हो, ठीक है, JRF, ठीक है, गेट, गेट एग्जाम पता है ना, JRF, UGC नेट JRF जो होता है, या SRB, ठीक है, ये सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, और एक बार, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए तैयारी किया हूँ, नहीं, नो नीड। और उसके अलावा मैंने DRDO का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, DRDO सेप्टम, ठीक है, और काफ़ी पहले किया है, ये अभी की बात नहीं है। मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं अपने लिए, अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, जॉब तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। ठीक है, ये किया, FCI का क्वालिफाई किया, बाकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हूँ। ठीक है, और प्रेजेंटली मैंने एक बार छोड़ा था, लेकिन प्रेजेंटली मैं परस्यू कर रहा हूँ क्या, PhD।
हालांकि आपको पीएचडी के लिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी होगी, आप मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद उसमें पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक्स सा बहुत ही ब्रीफ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और ये इंट्रोडक्शन देने का पर्पज़ क्या था कि जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ सेम स्ट्रेटजी मैं हमेशा टेस्ट किया हूँ, और ना ही अपने ऊपर नहीं केवल, मैं जो हमारे मित्र लोग हैं हैं अच्छे खासे लोग, मतलब आईएफएस भी हैं, आईएएस भी हैं, डीएफओ हैं, ठीक है, रेंजर हैं, एसीएफ हैं, हर कैटेगरी में हैं, और प्रोफेसर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके बीएचयू से लेके हर जगह हमारे मित्र जो हैं प्रोफेसर्स भी मिल जाएंगे आपको, और आप आईपीएस, आईएएस और डीएफओ जो आईएफएस होते हैं वो सब सब लोग हैं, बस मैं ही नहीं क्वालिफाई किया इस लेवल पे, बाकी मैं भी पढ़ा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ा रहा था एज ए गेस्ट लेक्चरर, मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर, लेकिन मैंने वहाँ से छोड़ा, ठीक है, दूसरी चीज़ करनी थी मुझे, इसलिए मैं स्टार्ट किया नीट की कोचिंग के लिए, और मैं परसीव भी कर रहा हूँ पीएचडी। सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आपके ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर कि स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। बस ऑनेस्टली आपको फॉलो करना है ये स्ट्रेटजी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लेके चलना है, ना ही आपको ब्लेम गेम करना है। आई एम सॉरी, ये पीछे चला गया वीडियो को लग रहा है, ओके। इसमें आपको कुछ भी ब्लेम गेम नहीं लेके चलना है, आपको बस प्रिपरेशन पे फोकस करना है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आपको हमने स्लाइड वाइज ही दिया है प्रोग्राम यहाँ पे। देखिए अगली स्लाइड है हमारा पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग का है, ये क्या है, स्टार्टिंग का। सबसे पहला जो प्रिपरेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर आप 10वीं क्लास से 11th क्लास में इंटर किए, या आप 11th से 12th में इंटर किए, अभी आप 12th पास हैं, या आप ऑलरेडी एक बार नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं, मतलब 12th पास हैं, नहीं दिए हैं एग्ज़ाम, 12th पास हैं और एग्ज़ाम भी दिए हैं, ठीक है, ये सारी स्टेज है। तो आप नॉर्मली प्रिपरेशन नीट के लिए बच्चा यहाँ से शुरू करता है, नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, और पहले से भी करवाते हैं, आई एस वी एस की प्रिपरेशन के लिए आजकल बच्चे पूछ लेते हैं गार्जियन की, हमारा बेटा 6वीं क्लास में है, वो आई एस की प्रिपरेशन कैसे करे। अरे पहले पढ़ लेने दो, उसे बढ़ने दो, बचपन थोड़ा जी लेने दो, तैयारी कर लेगा, ठीक है। सेम इसके लिए है, आप 10th तक आपको सोचना नहीं होता है ज़्यादा, गार्जियन को भी सजेशन है कि नहीं प्रेशर डालना चाहिए, यहाँ पर जब आप इंटर करते हैं तब आपको सोचना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आपकी लाइफ का, और यहाँ से आपकी लाइफ का जो कहते हैं ना दिशा और दशा दोनों चेंज होने वाला है, ठीक है, हिंदी में दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन एंड योर सिचुएशन, योर कंडीशन, ये आपके हाथ में है। सो ये डिसीजन कि आपको नीट का एग्जाम देना है, ये सबसे पहला डिसीजन है, और बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। आप पड़ोसी को देख के, मामा के लड़के को देख के, भाई के लड़के को देख के, या किसी मामा की लड़की को देख के, पड़ोसन को देख के, ठीक है, किसी दोस्त को देख के अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, मतलब नॉर्मली, मतलब आपका खुद का पहले होना चाहिए, या आपके गार्जियन बोल दिए कि नहीं नहीं तुमको यहीं करना है, हालांकि ये ठीक नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपने डिसाइड किया, तो जब डिसीजन ले लिया, ठीक है, डिसीजन ले लिया नीट एग्ज़ाम का, उसके बाद का डिसीजन आता है कि आपको सच में डॉक्टर बनना है, या आप अभी जो मैंने बताया कि पापा ने आपको प्रेशराइज किया दोस्त को देख के, हैं, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बना रखी है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, लोगों की आजकल है 5वीं क्लास 6वीं क्लास में नहीं पहुँच रहे हैं तब तक गर्लफ्रेंड बना घूम रहे हैं, ठीक है, हाँ उसका इम्प्लीकेशन बताएंगे अभी आपको। सो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पहला जो स्टेप है ना, आप सक्सेस होंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही है, यही डिसाइड करेगा कि आप रियल में यहाँ चाहे थे कि नहीं चाहे थे। आप 10 बार एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आप पंचवर्षीय योजना लेके, डिकेट का योजना लेके बैठिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका अगर आपने यहाँ डिसीजन नहीं ढंग से लिया है। चलिए कुछ भी मिला जुला के अगर आपने डिसीजन ले लिया कि ठीक है आपको नीट एग्ज़ाम में बैठना है और आपको डॉक्टर बनना है, आपने डिसीजन लिया, ये डिसीजन इससे भी इम्पॉर्टेंट है भाई। ये डिसीजन तो ठीक है आपने प्रेशर में ले लिया, जब ये डिसीजन ले लिया ना, तब इस डिसीजन पे आपको खरा उतरने के लिए आपको इस डिसीजन को इम्बाइब करना पड़ेगा, मतलब अपनी अंतरात्मा में बैठाना पड़ेगा कि भैया आप तो डिसाइड कर लिया है नीट एग्ज़ाम देने का, तो अब डॉक्टर बन जाते हैं, और जो भी डिमांड है इस एग्ज़ाम की, ठीक है,
आप उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि डिमांड अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट है ना वो ऑप्टिमम नहीं आएगा, रिजल्ट आपके फेवर में कभी नहीं आ सकता। अगर डिमांड फुलफिल किया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, डिमांड अगर नहीं फुलफिल किया तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया एग्जाम में बैठने का भी, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तब आप क्या करिए, आप सिलेबस पे जाइए एनटीए की वेबसाइट पे, या वैसे भी आप इंटरनेट पे कहीं से भी ढूंढेंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। किसका सिलेबस देखना है आपको? नीट का देखना है। ठीक है, नीट का सिलेबस देखना है, नीट का सबसे लेटेस्ट सिलेबस जो कि 2024 का था एग्जाम ना, इसमें जो आया, क्योंकि 25 के नोटिफिकेशन के लिए अगर आता है तो उसमें सिलेबस कुछ चेंज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेम सिलेबस फॉलो करना होगा। ओके, सिलेबस को आपने देखा, सिलेबस को डाउनलोड किया, सिलेबस का प्रिंटआउट निकाल लिया, सिलेबस को आप देखिए ढंग से देखिए। ठीक है, एक दिन लीजिए, दो दिन लीजिए, एक हफ्ते लीजिए, सिलेबस को एकदम कहते हैं ना, इसे दीमक की तरह चाट जाइए, एक एक चीज़ को उसमें एनालाइज करिए कि क्या सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद इसके पैटर्न को आप एनालाइज कीजिए, PYQ देख के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और एनालाइज करिए, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी नहीं पता हो, क्योंकि अगर आप 11th में आए हैं तो नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप 12th में होंगे तो आइडिया लग जाएगा, या आप ऑलरेडी अगर एक बार एग्जाम दिए हैं तो भी आइडिया रहेगा। तो ये सबके लिए है, अगर आप फेल हो गए हैं तो भी आपको स्ट्रेटजी ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेगी, और आपको सुनना पड़ेगा ये वीडियो, अगर नहीं सुनेंगे तो ये आपका जो है ना, ये आपका फेलियर होगा। ठीक है, आपकी आपकी गलती होगी कि आपने सुना नहीं, और बाद में कभी भी आप इस वीडियो पे अगर जाते हैं एग्जाम के बाद, जब फेल होने के बाद, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि काश जो है ना, काश हमेशा बाद में आता है, काश हमेशा बाद में आता है। थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि मैं ये डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है लैपटॉप भी स्लो हो, थोड़ा स्लो। तो ये काश जो है ना आए आपकी ज़िंदगी में तो बेहतर है, क्योंकि ये जब काश आता है ना तो इसका मतलब हम गिल्टी फील करते हैं या रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आया तो बेहतर है ना, तो नहीं आने के लिए ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आने के लिए नहीं। अब आपने पैटर्न एनालाइज कर लिया, लेवल एनालाइज कर लिया, अब आप एनालाइज करिए अपनी कैपेसिटी को कि आप ये जो डिसीजन लिए हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसका कलर हम चेंज कर लें क्या? ओके, ये कर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करिए, कैपेसिटी सबके पास होती है, देखिए सबके पास दिमाग है, सबके पास कैपेसिटी है, बस फंसता आदमी कहाँ है कि शुरुआत तो हम कर देते हैं लेकिन उसके बाद हम ना इधर उधर भटकने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो मंजिल यहाँ है, हम भटक कहाँ रहे हैं, इधर इधर ऊपर नीचे जा रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर जाएँ सीधा ना, हम डिस्टेंस कवर करने लगते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट पर अगर फोकस कर लें तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो कैपेसिटी सबके पास होती है, अगर किसी ने सच में डिसाइड कर लिया और दिल और जान पूरी अपनी लगा दी ना, तो भाई हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी आप डिसाइड, आपके पता होती है आपको खुद को, अगर नहीं पता है तो इसको एनालाइज करिए। इसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करिए। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब, जैसे आप सिलेबस देखें तो इसमें बेसिकली बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तीन पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें से अभी तक आपका सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन कौन सा है आपको ये डिसाइड करना है, और सबसे पुअर पोर्शन कौन सा है, मतलब जिसमें आपका मन नहीं लगता है, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग सा फील होता है, जिसमें आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है आपको। ठीक है, इसको आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है, यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है स्ट्रेटजी का। अब आगे चलते हैं हम स्ट्रेटजी में, पार्ट टू पे आते हैं। हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? नीट 2025 के लिए। क्यों? अरे 25 ही आने वाला है भाई। हाँ, 25 के लिए करेंगे ना, 25 ही आने वाला है, 24 का तो एग्जाम हो गया है और लोगों ने ब्लंडर भी किया है, मैं उसको भी बताऊंगा। हमारे भी स्टूडेंट थे, क्योंकि ऑफलाइन भी कोचिंग हम चलाते हैं गोरखपुर रीजन में, सो ISL के नाम से है हमारी कोचिंग। ठीक है, गोरखपुर रीजन में अगर कभी आना हुआ या इधर पढ़ते हैं तो आप विजिट करिए। ठीक है, ये आपका राप्ती नगर एरिया में है, खजांची चौराहे से आगे जब सीधा आप बढ़ेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पर तब। हालांकि चलिए यह देखिए, नीट 2025 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, और इसमें आपको सब बता दिया मैंने कि इसमें दोनों बच्चे होंगे, 11th क्लास में जो शुरू कर रहा वो भी होगा, 12th वाले भी होंगे और 12th पास भी होंगे। और हमारे यहाँ एक स्पेशल बैच चलाते हैं, MSP बैच। ठीक है, ठीक है, इसमें हम एक्चुअली में 8 से 10 घंटा अराउंड, ठीक है, बच्चों को इंस्टीट्यूट में ही रखते हैं, और घर के लिए हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं करते हैं, बस हम क्या करते हैं, इनको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और ये बड़ा मददगार साबित हुआ है। लेकिन बच्चों ने ब्लंडर किया, उसी ब्लंडर को हम बताएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है पूरी पढ़ाई करने के बाद भी।
तो नीट 2025 के लिए आपका टारगेट है, सीधी सी बात है। और जो 11th में होंगे इनका टारगेट क्या हो जाएगा, 2026। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सेम होगी, बस आपका टारगेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 12th वाले और जो 12th पास है, ठीक है, या जो ऑलरेडी दिए हुए हैं ड्रॉपर स्टूडेंट, उनके लिए है, ठीक है। अब तैयारी में होता क्या है, तैयारी में होता है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी, सारा जो पार्ट वन है वो हमने शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जैसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्टिंग है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर यहाँ पे ब्रेक आ गया, लंबा ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक बहुत सारे रीजन से होता है, फिर 1-2 महीना 15-20 दिन बीत गया, ठीक है, फिर से आपने सोचा यार छूट गया, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो पता है कहाँ आप रहेंगे, आप ये जब ब्रेक लिए ना तो आप फिर से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और कभी कभी सिचुएशन होती है कि आप एकदम में वापस आ जाते हैं, फिर से यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ यहाँ पहुँचे, फिर से ब्रेक ले लिए, ठीक है। तो ये वो वाली कहानी है कि चींटी एक चढ़ रहा था, मतलब इंसेक्ट खंभे पे, और खंभे से वो क्या करता था, 1 मीटर चढ़ता था, उसके बाद 990 सेंटीमीटर जो है नीचे आ जाता था, तो इफेक्टिवली कितना चढ़ा, 10 सेंटीमीटर। वैसे ये भी है, आप पढ़ाई तो किए, मान लीजिए आपने 15 डेज पढ़ाई की, एक सेकेंड, ये कोई आया है हॉर्न बजा रहा है, 15 डेज की पढ़ाई की, और उसके बाद आपने ये आपने स्टडी किया इतना, ठीक है, उसके बाद 10 दिन का आपने रेस्ट ले लिया, 10 दिन का रेस्ट ले लिया, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई 5 दिन की बची है, ना बाबा ना, आपकी पढ़ाई शायद 1 दिन की बची हो बस, ठीक है, आपकी पढ़ाई शायद 1 दिन की बची हो, ऑलमोस्ट आप नील हो जाएंगे, 15 दिन की पढ़ाई के बाद आप खाली 4 दिन 5 दिन रेस्ट ले लीजिए, आप ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो यही काम नहीं करना है, आप स्टार्ट करिए, स्लो करिए, आपने स्टार्ट कर दिया ना, स्लो चलते रहिए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहना है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका टारगेट, ये टारगेट है और टारगेट तक आपको पहुंचना है, बस स्लो चलिए लेकिन स्टडी होना चाहिए, कछुआ वाली कहानी है, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, समझ रहे ना, स्लो एंड स्टडी कंडीशन में आपको स्टडी करनी है, SSS स्ट्रेटजी फॉलो करना है। कौन सी स्ट्रेटजी, SSS स्ट्रेटजी, समझ रहे हैं, नहीं, SSS स्ट्रेटजी मतलब 4S2, 4S, 4S, ठीक है, SSS स्ट्रेटजी, 4S फॉलो करना है आपको, क्लियर है। स्टार्ट टू फिनिश, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है, इस बात को समझिए आप, जो बहुत धुरंधर लोग होते हैं ना वो भी फेल होते हैं इसी वजह से, क्योंकि स्टार्ट तो बड़े अच्छे से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 6-7 महीने की पढ़ाई, 6-7 मंथ कि इस जो पढ़ाई होती है ना, बड़ी तगड़े तरीके से करते हैं, बहुत स्ट्रांगली करते हैं, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले, मतलब लगभग 2-3 महीने की पढ़ाई जो है ना, एकदम डब्बा गोल कर देते हैं। और ये ब्लंडर हमारे स्टूडेंट ने किया, दो स्टूडेंट ने ये ब्लंडर किया, दो दो क्या, स्पेशली एक स्टूडेंट ने किया और दूसरे ने थोड़ा और ब्लंडर किया, वो हम बताएंगे क्या ब्लंडर होता है, आपको नहीं पता है तो वो बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके, एक सेकेंड होल्ड करिए जरा, हमने थोड़ा इरेजर से इरेज कर दें, थोड़ा सा स्लो है ये, थोड़ा बियर करिए मेरे साथ, कोई नहीं, ओके। अब आते हैं हम इसमें कलर चूज कर लेंगे, दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये आपने मन बना लिया कि आपको पढ़ाई जो है ना स्लो एंड स्टेडी मैनर में करनी है, ठीक है, ये 4S फॉलो करना है, जो स्ट्रेटजी हमने बता दिया, SSS स्ट्रेटजी। अब क्या करिए, आप पूरी प्रिपरेशन को आपने पार्ट्स में ब्रेक करिए, ठीक है, होल प्रिपरेशन को आपको कैसे करना है, पार्ट्स में ब्रेक करना है। आप अपना कैलेंडर रेडी करिए, आप अपना शेड्यूल रेडी करिए, बिना इसके पढ़ाई नहीं होगी, शेड्यूल तो आपको बनाना पड़ेगा, बाबू बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है, समझ रहे ना बाबू दरोगा लोग, आप लोग ठीक है, बड़े आप लोग नाजुक हैं, ठीक है, बड़े सेंसिटिव हैं, नाजुक हैं, आपको पढ़ाई करने में बड़ी मेहनत लगती है, आपको एकदम से फुर्सत चाहिए। अब सोच लीजिए कि मतलब जो लोग सब काम करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप केवल बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पीछे रह रहे हैं, तो डिफरेंस समझ लीजिए कहाँ है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई जो है ना, पहले आपकी पूरी पढ़ाई को पार्ट में डिवाइड कर लेना है, पूरी प्रिपरेशन पार्ट्स वाइज होगी,
ठीक है। और आपका ये पार्ट जो होगा कैसे ब्रेक होगा, मंथली, ईयरली 6 मंथली नहीं, मंथली ब्रेक होगा। और मंथ को आप वीक में, मतलब एक महीना है ना, एक महीने में 4 वीक आते हैं, पता है कि नहीं, 1 मंथ हो गया, ठीक, 1 मंथ में 4 वीक और इसमें 7 डेज। आपको पढ़ाई ना ऐसे ब्रेक करनी है, 7 डेज में 7ों दिन आपने ये ब्रेक कर लिया ना, यस, आपने ये ब्रेक किया तो इसमें 3 3 6 1 7, 7 दिन का आपने प्लान बना लिया, चलिए ठीक है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब क्या करिए आप, आपने दिन में अगर पढ़ाई शुरू की, ठीक है, डे में आपने पढ़ाई एक दिन मान लीजिए की, शाम को रात में सोने से पहले, बिफोर स्लीप, बिफोर स्लीप, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आपको करना क्या है ना, इसका प्लान बनाएंगे पहले ही। आप एक स्टिकी नोट लीजिए, स्टिकी नोट आता है ना, आप देखेंगे कलरफुल स्टिकी नोट ऐसे रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट डे का प्लान बनाइए कि नेक्स्ट डे आपको करना क्या है, डेट लिखिए और उसमें आपने प्लान बना लिया कि अच्छा आपको क्या क्या करना है कल। ये रात में बना होना चाहिए प्लान, रात में सोने से पहले ये प्लान बना के आप अपने टेबल पे, आप अपने दीवार पे सामने चिपका लीजिए। सुबह उठते ही आपको इसी प्लान को फॉलो करना है, कुछ भी ना सोचे, आपको सुबह उठने के बाद ये नहीं सोचना है कि आज करें क्या, ना, आपका प्लान रात में रेडी होना चाहिए, ठीक है, आपका प्लान रेडी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका मंथ में टारगेट नहीं होना चाहिए कि मतलब अच्छा 1 महीने का टारगेट है, 2 महीने का टारगेट है, नो, बिगर टारगेट इज डिफरेंट, बट डेली टारगेट्स आपका होना चाहिए। और ऐसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और आप सिलेक्शन के नज़दीक और सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से। और इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है ना तो बता दिए ना कि आप किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो। आप इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दीजिए जो बताते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो जो बोलते हैं वो सच्ची बोलते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इंटरव्यू में बहुत झूठ बोलते हैं सिलेक्शन के बाद, ठीक है। कोई कहेगा कि हम 20 घंटा पढ़ते थे, तो कोई कहेगा हम तो 2 घंटा में पढ़ के सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, हम तो 2 महीना में पूरा IAS निकाल लिए, हैं हम 15 दिन में पूरा नीट एकदम टॉप कर दिए, ऐसे बहुत स्टोरी मिलेंगी। हो भी सकता है एक आध सही भी हो सकता है, लेकिन 99.99% जो है वो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमम हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है। अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी कीमत पे जो है ना, आप किसी भी कीमत पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसकी गारंटी है। जैसे मोदी की गारंटी है ना, ठीक है, तो मोदी की गारंटी हो सकता है बहुत सारे फ्रंट पे फेल हो रही हो, वो भी झूठ बोल रहे हैं बहुत सारे एस्पेक्ट में मैं भी, ठीक है, मतलब जो भाषणों से दिखता है और जो आज तक उन्होंने किया है। और मैं एक UPSC एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं ना ये पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजीज है ना नीचे की, वो पढ़ा हूँ, वो समझता हूँ, अभी भी देखता हूँ कहाँ कितना लूप होल्स है, चाहे पॉलिसीज में और चाहे अप फ्रंट या बिफोर फ्रंट, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बीइंग कंसिस्टेंट, ठीक है। एवरेज टाइम जो होना चाहिए 8 से 10 घंटे डेली का आपका होना चाहिए, देखिए कभी डाउन हो गया, कभी 6 घंटे भी हो सकता है, तो कभी 12 घंटे करेंगे, तो एवरेज आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। आप 14 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो 14 घंटे में 14 घंटे पढ़ाई आप नहीं कर पाते हैं, वो पता है मुझे। ये पढ़ाई का मतलब क्या है पता है, एफिशियंसी से, आपकी एफिशियंसी होनी चाहिए फुल, ये देखिए एफिशियंसी, ठीक है, एफिशियंसी कंप्लीट होनी चाहिए। एफिशियंसी आपकी अगर 8 घंटे की भी आती है और साल भर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा भाई, आप बस इस शेड्यूल को फॉलो करिए और जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, कोई माई का लाल फॉलो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन होने से रोक दे। और अगर ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये मोदी ये गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब उसमें ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप सिलेक्शन 100% देंगे, 100%। और अगर ऐसा नहीं करते हैं और ऑनेस्टली आपने फॉलो किया है ना, तो फिर आप मिलिएगा मुझे, मैं यहाँ पे चैनल बंद कर दूंगा और बायोलॉजी पढ़ाना या गाइडेंस करना छोड़ दूंगा। हाँ नहीं, ये मैं खाली मैं बोला ना कि मैं लेवर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, और अगर आप इसको इफेक्टिवली फॉलो करते हैं, बस बस फॉलो करते जाइए, सिलेक्शन 100% होगा आपका। कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस, जब पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से जो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वो 2 महीना पहले हो जाना चाहिए। योर सिलेबस मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर 2 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम, 2 मंथ प्रायर द एग्ज़ाम, ठीक है। ये टाइम बढ़ाना नहीं है, आप एग्ज़ाम के 4 दिन तक पहले तक सिलेबस कम्प्लीट कर रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
ये ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़े होंगे। सो डू नॉट डू दिस। हमारे मैंने बताया ना कि हमारे एक स्टूडेंट ने यही काम किया था, ठीक है, हम उनका लेके चल रहे थे कि सिविल रीच अप टू 690 और 680 और 700 प्लस में भी, बट सी रिड्यूस टू 540 550 जस्ट बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ दी लैक और जस्ट नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर और शेड्यूल एग्जैक्टली इन द वे शी मस्ट हैव बीन, शी शुड हैव बीन फॉलोड। होना चाहिए था, मतलब आई ट्रस्टेड हर कम्प्लीटली दैट सी विल डेफिनेटली क्वालिफाई, मतलब उसके सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं था उनके, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन भी नहीं ले पाई। टॉप करने तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, चलते हैं पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री क्या है हमारा टारगेट, देखिए ये पूरा जो ये आपका कह लेंगे ना तो कोर है आपका, ये कोर अभी तक जितना भी मैंने बताया वही कोर है कि आप चाहते क्या हैं, आप लिटरल सेंस में चाहते क्या हैं। आप एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं, या आपका टारगेट है कि भैया आपका 650 आ जाए, या आप टारगेट कर रहे हैं क्या कि आपको भैया एम्स डेली लेना है। यह आपका टारगेट डिसाइड करेगा कि आपका माइंड सेट क्या है, समझ रहे ना, और ये टारगेट ही डिसाइड करेगा कि आप डेफिनेटली सिलेक्शन लेने वाले की कैटेगरी में आ रहे हैं या बस आप तैयारी शुरू कर दिए हैं और सिलेक्शन चलो ठीक है इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल, आप पंचवर्षीय योजना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसका शिकार ना होइए, ठीक है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप जस्ट सिलेक्शन वाली कैटेगरी को नहीं चूज करेंगे तो बेहतर है। आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, ये आपको अपने तक रखना है, अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। आप ये स्ट्रेटजी भी सोच सकते हैं और ये तो बेस्ट स्ट्रेटजी है, एम्स दिल्ली बेस्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, बेस्ट खाली इस सेंस में नहीं है कि यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, यहाँ पे जो पेशेंट का जो वेरिएशन होता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो डिजीजन है जिसको टैकल करते हैं यहाँ पे लोग, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप जब सीखते हैं ना यहाँ पे, जब सीख के निकलते हैं यहाँ से, तो आप एक बड़े अच्छे डॉक्टर की कैटेगरी में गिने जाते हैं। सोचिए जब सब लोग फेल हो जाता है तो एम्स दिल्ली के लिए टारगेट होता है। एम्स बहुत सारे खोल दिया है हमारी सरकार ने, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो अभी तो खैर बैचेस शुरू हुए हैं, कहीं कहीं अभी पहला बैच चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो लेवल है वो बहुत, एम्स तक पहुँचने में अरसा लग जाएगा, हो सकता है पहुँच भी ना पाए कभी। तो एम्स जो है एम्स है भाई, ठीक है, इसका जो टारगेट लेके चलता है ना भाई, तो वो सिलेक्शन तो ले ही लेता है। ये 100% वाली कैटेगरी है, ठीक है, ये 100% वाली है कि ये सिलेक्शन ले लेंगे। और इसको टारगेट करने वाले लोग ना इधर उधर जो है ना साइड में नहीं देखते हैं, रास्ते में चलते समय सीधा इनका फोकस होता है टारगेट पे, बस, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके माइंडसेट को बताएगा कि आप केवल सपने में या सपना सोचते हैं डॉक्टर बनने का, या सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बन के अपने घर की सेवा या दोस्तों की सेवा, दोस्तों के परिवार की, या ओवरऑल देश की सेवा करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको या ये टारगेट आपको पहुंचाएगा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो इस वाले कैटेगरी में आप ना रहें तो बेहतर है, रहेंगे तो फिर भाई आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से आप इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी में है तो धीरे 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 इस कैटेगरी में बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं हमारे लगभग अंतिम पड़ाव पे, टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ा क्रूशियल एस्पेक्ट है। समझ रहे हैं, नहीं, हमारे दो बच्चे इसी में फेल हुए हैं, हमारे दो बच्चे इसी में फेल हुए हैं। एक बच्ची जो थी उन्होंने 20 मिनट टाइम बचा के रखा था केवल फिजिक्स के लिए, और जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने प्रैक्टिस के हिसाब से एग्जाम में ऑर्डर चेंज कर दिया, उसकी वजह से उनको भी टाइम लगभग इतना ही मिला है, 30-35 मिनट केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए, ठीक है। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन ढंग से की है और टाइम मैनेज नहीं किया है, जो 3 घंटा 3 आर एंड 20 मिनट
जो टाइम है ना, ये अगर आपने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। टाइम मैनेजमेंट इज ये क्रूशियल एस्पेक्ट है, समझ रहे हैं ना, ये क्रूशियल एस्पेक्ट है। सो ये क्रिटिकल पार्ट है एक्चुअली में, क्रूशियल का मतलब ये क्रिटिकल पार्ट है। और टाइम मैनेजमेंट हर लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पे हमने तीन लेवल दिखाया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन का मतलब जो हमने बताया कि 2 महीना पहले आपकी पूरी तैयारी जो होनी चाहिए हो जानी चाहिए एग्जाम के 2 महीना पहले, ठीक है। तो यही टाइम मैनेजमेंट है। और डेली आपका जो 8 से 10 घंटे का हमने बोला, चाहे कुछ भी हो, घर में मेहमान आए हो, चाहे आपको बाहर जाना है, एवरेज आपका जो टाइम ड्यूरेशन है डेली का वो 8 से 10 घंटे का हो जाना चाहिए। बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई, वो अलग बात है, लेकिन उसको मैनेज करना है आपको, ठीक है। एक तो पहला लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करने का। एग्ज़ाम हॉल वाला ही गड़बड़ी इन्होंने किया था। ये जब टेस्ट देते थे ना, टेस्ट देते थे तब प्रॉबेबली ये कर लेते थे, हालांकि हमको कंसर्न रहता था स्पेशली इनके ऊपर और इनके ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर, कि भाई आप लास्ट मोमेंट तक अगर गोला भर रहे हैं एकदम, हम कॉपी लेने जा रहे हैं टेस्ट में जो आप सर्कल भरना है, लास्ट मोमेंट पे आप सर्कल भरे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मैंने बोला ना, एग्ज़ाम में भी आपका 5 से 10 मिनट पहले कोशिश करिए कि आप एकदम फ्री हो जाइए, मतलब आपका पूरा पेपर जो है ना, कोशिश करके चलना है 3 घंटे में फिनिश हो जाए। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो 10 मिनट और लगेगा, 5 से 10 मिनट पहले आपका पूरा पेपर फिनिश हो जाना चाहिए राउंड के साथ। ये है टाइम मैनेजमेंट। और यही प्रैक्टिस आप जब घर पे करेंगे ना 3 घंटे को लेके, तब एग्ज़ाम में आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर, मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि तो यहाँ पे जो 3 घंटे 20 मिनट का टारगेट आपका, यहाँ पे दिमाग ये नहीं रखना है कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नो, आपको बस फोकस क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम जो है 3 घंटे में कंप्लीट करना है ढंग से, ठीक है। अब इस टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प कौन करेगा, मतलब पूरी प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प कौन करेगा, जो DPP होता है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं, आप कहीं कोचिंग में जाएंगे DPP मिलता है, ठीक है। मैं DPP अलग तरीके से करवाता हूँ, अदर जगह पे क्या होता है उनको दे दिया जाता है कि बच्चों के लिए दे दिया गया कि वो अपने से करने के लिए, और मेरे यहाँ क्या है कि मैं इनको करवाता हूँ। DPP हमने दे दिया और नेक्स्ट डे ना डिस्कशन करता हूँ, मतलब इसमें अगर मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन है सपोज, तो इसका डिस्कशन होगा पूरा। मैं तो अपना पेपर हाथ से भी बना के देता था और डेली डिस्कशन करता था, मतलब अभी मैंने दिया आपने 20 क्वेश्चन है, मतलब 20 मिनट या 25 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 25 मिनट, नहीं तो हम 15 मिनट देते थे। 15 मिनट में आपने किया, उसके बाद आधे घंटे इसका डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा पार्ट या यूनिट टेस्ट, ये सब आपके धीरे धीरे आपको ना टाइम मैनेज करने के लिए सिखाते हैं कि आप कम टाइम में कैसे एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये DPP और पार्ट या यूनिट टेस्ट जो होते हैं ना, आपकी प्रिपरेशन को क्या करते हैं, सॉलिड करते हैं ये, ठीक है। आप शुरू से ही मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, पहले प्रिपरेशन कर लीजिए फिर फुल मॉक टेस्ट जो है आप दीजिए। ये फुल मॉक टेस्ट आप अगर सही से प्रिपरेशन किए हैं ना, तो आपके लिए 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ऐसा मत सोचिए कि आप 50 दे देंगे मॉक टेस्ट, 500 मॉक टेस्ट दे देंगे, ना ना, इससे इससे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, इससे कोई मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। और इसका रियल रेलिवेंस क्या है पता है टेस्ट का, ये शायद आप लोग को पता है लेकिन करते नहीं है टेस्ट का, ठीक है, टेस्ट का रियल मतलब, ठीक है। हिंदी लिख रहे हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा और बहुत लोगों को पता होगा, पढ़ भी ले रहे होंगे, ठीक है। द रियल मीनिंग ऑफ द टेस्ट, ठीक है, रियल मीनिंग ऑफ द टेस्ट क्या है, मतलब टेस्ट का इवेल्युएशन। आजकल बच्चे जो है ना कम्प्लीटली वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए वो वीडियो यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोग अपने अपने टेस्ट को खुद से इवेल्युएट नहीं करते हैं, इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा, टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इवेल्युएशन जो है ना, इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। आपको सब क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो पेपर 20 क्वेश्चन का हो, चाहे 50 क्वेश्चन का हो, चाहे 180 क्वेश्चन का हो, पूरा कंप्लीट, आपको सारे क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन मस्ट बी इवेल्युएटेड बाई यू, मस्ट बी इवेल्युएटेड बाई यू। और बायोलॉजी तो 100% आपको मिल जाएगा, आप NCERT खोलिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उस पैराग्राफ को पढ़िए, हाईलाइट करिए क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, स्टार मार्क करिए कि यहाँ पे आपने गलती की थी।
और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, जिस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुई है स्टार मार्क करिए, उसको सेपरेट एक पेपर रेडी करिए, सेपरेट एक नोटबुक रेडी करिए, ठीक है, और नोटबुक में उस कॉन्सेप्ट को वहाँ लिखिए कि ये मिस्टेक आपने की थी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप ये इवैल्यूएशन नहीं करते हैं ना, एग्ज़ाम में मतलब जाएंगे सेम क्वेश्चन पूछ देगा और वहाँ पर भी आप गलत करके आ जाएंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, सारे लोगों के साथ है ये प्रॉब्लम, खाली आपके साथ नहीं है, ये 99.99% लोगों के साथ है, 99.99% लोग जो है ये काम नहीं करते हैं। इसके लिए भी क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। टेस्ट पेपर हो गया, वो सोचेंगे यूट्यूब ढूंढ लें, यूट्यूब पे कोई बता दे, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाए हैं, यूट्यूब पे ढूंढ दे क्वेश्चन, तुरंत इवैल्यूएशन देख लिए, अच्छा ऐसे ऐसे लगाया है इन्होंने, आंसर ये आगे, अच्छा इसका आंसर ये होगा। आपको पता होगा मैं अपने टेस्ट में जो बायोलॉजी का टेस्ट मैं करवाता हूँ, नहीं पता है आपको, मैं बता रहा हूँ, जो मैं बायोलॉजी का टेस्ट करवाता हूँ, चाहे जो भी टेस्ट होता है, मैं उसमें आंसर की बच्चों को नहीं देता हूँ। नो आंसर की आई डू नॉट डू, आई डू नॉट गिव द आंसर की। मैं क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चन को इवेल्युएट खुद करूँगा, और क्वेश्चन का इवेल्युएशन करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग आंसर ढूंढिए, पता करिए। और बच्चे इस बार नहीं किए, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, ना ही डांटा, मजबूरी थी हमारी, पढ़ ही नहीं रहे थे तो क्या किया जाए, अपने मनमानी किए तो उसका रिजल्ट दिख गया, नुकसान हमारा हुआ। सिलेक्शन हम सोच रहे थे कि 100% हम दे देंगे, अच्छा रैंक दे देंगे, लेकिन नहीं दे पाए शायद, लेकिन नुकसान उनका भी हुआ, वो नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे, नुकसान हो गया। सो इवैल्यूएशन इज द की, सारी चीज़ों में ये फिर से आपका क्रिटिकल आस्पेक्ट आ जाता है। दो तीन क्रिटिकल आस्पेक्ट हैं, आपको उन आस्पेक्ट पे बहुत मतलब क्रिटिकली फोकस करके चलना है, ठीक है। दीज आर द क्रिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन। हो गया, ये कहानी खत्म। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे, ठीक है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट मैटर। डिस्ट्रैक्शन ना पचासों तरह के होते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। आई वॉन्ट से कि मतलब हमको सब पता है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन हमको इतना पता है कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, आपको अपनी आपकी प्रिपरेशन से बहुत दूर ले जाता है, ऐसे और ऐसी दूर ले जाके फेंकेगा ना कि जब आप यहाँ से मुड़ के देखेंगे ना, तो इतना दूर निकल चुके रहेंगे कि अब आप सोच लेंगे भैया 2025 में तो हमारा नहीं होगा, अब हम टारगेट किसके लिए करें, 2026 के लिए। और सेम फिर से आप करेंगे, दूर भाग जाएंगे, उसके बाद जब यहाँ से वापस नहीं आएंगे तो फिर आप सोचेंगे टारगेट हम 2027 के लिए करें, और फिर चलते चलते भाग रहे हैं इधर, ठीक है, और फिर 2028, जिनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और उनको झूठ बोलते जा रहे हैं कि हम पूरी पढ़ाई तो कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, घर वालों को दिख भी रहा है कि भाई मोबाइल लेके तो पड़े रहते हैं, टैबलेट लेके पड़े रहते हैं, लैपटॉप में घुसे पड़े रहते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन के ज़माने में ये और भी ज़्यादा हो रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और बच्चे जो हैं ऑनलाइन प्रीफर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन वो मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, इवन अब पता ही है आपको ऑनलाइन में बहुत सारी क्या चीज़ें होती हैं, सो उधर देख रहे हैं। और आजकल तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया है, रील्स। आप पढ़ाई करते 5 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट स्टडी, ठीक है, 5 मिनट स्टडी, और रील्स कितना 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 2 घंटा, ठीक है, ऐसे चल रहा है। होना चाहिए जबकि उल्टा, भाई दो घंटा 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर 5 मिनट आपको कुछ देखना है, रील्स वगैरह जो भी देखना है आपको डोपामिन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, डोपामिन जो कि आपको माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है, लेकिन आप उल्टा करते हैं। और ये सबके साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है। और बच्चे प्रीफर भी इसीलिए कर रहे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ बच्चे जो एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सिटी में नहीं आ सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कोचिंग नहीं है, जो भी है वो डेडिकेटेड होते हैं, उनका तो अलग कंडीशन है, देर इज अ सर्कमस्टांस। बट आपके पास सर्कमस्टांस भी नहीं है, आपके पास जबरदस्ती सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, गार्जियन पैसे बताते हैं कि सस्ता है, सस्ते में ले लेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आप पंचवर्षीय योजना में चलते हैं, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, और आप मान लीजिए 10,000 का ले रहे हैं, 10 चौके 40, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी कोचिंग का पैसा तो अलग है, हमारे यहाँ तो रेंज हम कम रखे हैं, आप पढ़ने वाले हैं तो हम आपको वैसे भी पढ़ा देंगे, आइए आइए घूमते हुए, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, पढ़ा ही रहे थे लास्ट ईयर हम फ्री बच्चों को, कोई भी बच्चा हमको ऐसा थोड़ी कि हमने जितना फीस बोला है कितनी फीस बोले थे दिया, नो। सो आइए, अगर आप गोरखपुर रीजन में हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट पे, हम बताते हैं आपको कि आपको हम बिना पैसे में पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन आपका एक कंडीशन होनी चाहिए। इस बार हमने कंडीशन रख दिया, लास्ट ईयर हम कंडीशन नहीं रख पाए थे मजबूरी में, इस बार हमने कंडीशन रख दिया कि नो, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, और साल भर हमको चाहिए पूरी तरीके से आपका 1 ईयर। तो डिस्ट्रैक्शन
कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये हो रहा है कि जहाँ पे भीड़ रहती है, मतलब 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 200 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा हैं सपोज, इन जनरल यहाँ के कोचिंग या जो भी है स्पेस इतना होता है कि 35 से 40 या 50 बच्चे रहते हैं सपोज एक क्लास में, तो उसमें से 4 से 10 बच्चे जो होते हैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाले होते हैं, वो क्लास में सबसे आगे की रो में बैठे रहते हैं, ऐसे एकदम फ्रंट रो, ठीक है। लेकिन जो पीछे की रो है ना, इधर जितने भी बच्चे इधर की रो में बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है, इधर पीछे की रो में, इनको पढ़ने से मतलब नहीं होता है। दे आर देयर टू मेक बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे? नहीं, एक से भी काम नहीं चलता है, उनका दो चार होनी चाहिए, ताकि एक से नाराजगी हो तो दूसरे से बतिया लें, दूसरे से नाराजगी हो तीसरे के साथ, अगर ये दोनों मना कर दे घूमने के लिए तो इनके साथ निकल लें। दिस इज द स्ट्रेटजी। और ये भी हमने देखा, जिनके लिए हम बता रहे हैं कि मतलब फेल हुए, ठीक है, उसमें से ये भी एक रीज़न था, हमारे मना करने के बावजूद भी चीज़ें नहीं छूटी, और चीज़ें नहीं छूटी तो उसका रिजल्ट दिख गया भाई, वो नुकसान। अब वो कैसे चलते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे ठीक है उसने तो कर लिया है, दो लोग कपल थे, दोनों लोग कर लिए, अरे भैया उनका अदर चीज़ भी देखो, वो कपल थे, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे नीट के, और किस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे थे ये भी देखो, खाली ये मत देखो कि वो कपल थे। आजकल बच्चों का ये होता है, कहते हैं ना जो गलत चीज़ होती है उसको तुरंत फॉलो आ रही, वो तो सब करते हुए सेलेक्ट हो गया, वो सब करते हुए सेलेक्ट हो गया, लेकिन सब करते हुए वो पढ़ाई कितना कर रहा था ये आप नहीं देखते हैं, आप खाली क्या कर देखते हैं, वो सब कुछ कर रहा था, ठीक है। तो दूसरा लेवल भी देखो भाई, उनका उनके पढ़ने का लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल, उनका जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है उसको भी देखो, फिर कंपेयर करो निगेटिव आस्पेक्ट को। आप पहले निगेटिव आस्पेक्ट को बैठा लेते हो अपने दिमाग में, चिपका लेते हो, पॉजिटिव को साइड कर देते हो, और गार्जियन को ये बता दे रहे सब चलता है, देखिए वो सेलेक्ट हुआ है, ऐसा करते हुए हम भी कर लेंगे। डिस्ट्रैक्शन आपको रिड्यूस करते हुए जीरो लाना है, जीरो। और भाई हम आपसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं मांग रहे हैं, बस एक साल के लिए, आप ट्वेल्थ में हैं या ड्रॉपर हैं तो एक साल के लिए मांग रहे हैं, और इलेवेंथ में हैं तो मैक्सिमम आप 2 साल, भाई इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकते हैं, लेकिन ना 2 साल या 1 साल, आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आपकी पूरी कैपेसिटी आप लगा दीजिए, आप सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी प्रिपरेशन के साथ साथ। सो यहाँ पे आज का हमारा जो पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है ये ख़त्म होता है। आप सभी लोगों को जो है बेस्ट विशेस फॉर द 2025 प्रिपरेशन फॉर द नीट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, मतलब ये आपको लगता है कि नहीं बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, और आप फॉलो भी करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, और आप अपने टॉपिक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि मतलब मैं क्या पढ़ाऊँ। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इस बार टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं पूरा, ये मैं डिसाइड किया हूँ, और इस बार मेरी कंसिस्टेंसी सबसे हाईएस्ट लेवल की होगी। एक्चुअली मैं बहुत सारे काम करता रहता हूँ, तो उसमें क्या है, कभी ये पढ़ रहा हूँ, कभी वो पढ़ा रहा हूँ, उसमें चीज़ें में मिस हो रहा था, और मैं ये भी सोच लिया था कि यार इतने लोग तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो छोड़ो मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक हूँ, ऑनलाइन क्या ही पढ़ाऊँ यूट्यूब पर। लेकिन फिर भी मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो बनाया ये जानते हुए कि ऑलरेडी यूट्यूब पर अच्छे खासे लोगों के जिनके सब्सक्राइबर बेस हैं, ठीक है, हज़ारों में, लाखों में भी, उन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, जो अन अकेडमी है, PWI, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उनके भी, इस जो टीचर्स हैं उन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैंने इस पे बनाया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट लिखिए, और ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है शायद, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि छोटा हो जाए, लेकिन क्या करें, ये मेरी आदत है, मैं समझाता हूँ तो थोड़ा अच्छे समझाता हूँ, मैं ऐसे फास्ट फास्ट तरीके से 15 मिनट में 10 मिनट में वीडियो नहीं बना पाता हूँ नॉर्मली। फिर भी मैं इस बार कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे फ्रैक्शन में मैं वीडियो बनाऊं और उसको डेली अपडेट करूं। सो चलते हैं, आपके लिए बेस्ट विशेष हैं, और कल से प्रॉबेबली, कल या परसों से ऑलमोस्ट डेली मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर आपको यहां पे अपडेट करूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, ये मेरी जो है शुभकामना है आप सभी लोगों को। तो बायो ब्लास्ट, ये नाम ध्यान रखिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, बायो ब्लास्ट। और मैं कौन हूँ, मैं हूँ कोलंबस वर्मा। सो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, पढ़ाई के मामले में मुझे इतना पता है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और अगर आपने उसको फॉलो किया तो यू विल नेवर फेल। मतलब आप ये फील नहीं करेंगे कि आप फेल हुए हैं, ये डेफिनेट है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।